देहरादून रेलवे स्टेशन देहरादून शहर में जाने का ये स्टेशन है। इसका निर्माण 1900 में किया गया था। हरिद्वार ऋषिकेश जाने के लिए भी लोग यहाँ उतरते हैं। मसूरी के लिए भी यहाँ से जाया जा सकता है। देहरादून रेलवे स्टेशन से पूरे भारत के लिए 31 ट्रेनें निकलती हैं और आती हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बना हुआ है कंप्यूटराइज रिवर्सरी काउंटर। टॉर्डन रेलवे के अंतर्गत आता है यह उसकी इमारत के अतिरिक्त है। ये सामने है देहरादून स्टेशन। देहरादून रेलवे स्टेशन के लिए रिजर्वेशन काउंटर अंदर का भी देहरादून रेलवे स्टेशन के सामने एक पुराना इंजन प्रतीक स्वरूप रखा गया। रिजर्वेशन काउंटर के ठीक पास में है यह। दूर स्टेशन के बाहर जो रेलवे इंजन रखा हुआ है पुराना, उसको देखते हैं हम। एक आकर्षण का केंद्र है ये। एक ज़माने में इस छुक छुक गाड़ी से ही रेल यात्रा की जाती थी। ये इंजन पटरी ऊपर ही रखा गया है। एक तरह से ओपन म्यूजियम है यह। इसका नंबर है 785B। देहरादून स्टेशन से बाहर निकलते सबसे पहले इसको देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। रेलवे के इतिहास का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। प्लेटफॉर्म में प्रवेश का द्वार है ये। देहरादून स्टेशन के अंदर आए तो सामने एक ट्रेन खड़ी है। ऐसी प्लेटफॉर्म का दृश्य बहुत ही खूबसूरत। ये यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर। देहरादून जो रेलवे स्टेशन है यह उत्तर जोन का नॉर्दर्न रेलवे का ये आखिरी स्टेशन। ये शताब्दी एक्सप्रेस लगी हुई है जो दिल्ली से आती है देहरादून। देहरादून स्टेशन का एक ये दृश्य। देहरादून रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का एक दृश्य। तिरंगा लहराता हुआ बगल में शताब्दी एक्सप्रेस आकर रुकी हुई है।
ये इस जोन का आखिरी स्टेशन है और ये प्लेटफॉर्म भी आगे जाकर समाप्त हो जाता है। यह देहरादून स्टेशन का एक दृश्य, जितना खूबसूरत यह शहर उतना खूबसूरत इसका स्टेशन, साफ सुथरा। समुद्र तल से स्टेशन की ऊंचाई है 636.96 मीटर। बहुत ही साफ सुथरा स्टेशन, बैठने के लिए सीमेंट की कुर्सियाँ बनी हुई और ऊपर धूप से बचने के लिए शेड, बारिश से भी बचने में सुविधाजनक है जगह। यहाँ बगल में खड़ी है नंदा देवी एक्सप्रेस, इस तरफ है शताब्दी एक्सप्रेस। उत्तराखंड की राजधानी होने के कारण देहरादून में लगभग हर बड़े शहरों से गाड़ियाँ आती हैं और फिर उत्तर भारत देवभूमि जाने के लिए यहाँ निरंतर गाड़ियाँ चलती रहती हैं और सब साफ सुथरी अच्छे कंडीशन में सारी गाड़ियाँ और स्टेशन। भाई देश किसान तिरंगा लहराता हुआ, दून स्टेशन और उसकी खूबी अलग ही है। अब हम सीढ़ियों से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इतना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन जल्दी देखने को नहीं मिलता। दून स्टेशन का एक अवलोकन रेलवे ब्रिज के ऊपर से। स्टेशन से बाहर जाने के लिए बुजुर्ग लोगों एवं अक्षम लोगों के लिए यह लिफ्ट लगी हुई, साथ में 340 सीढ़ियाँ भी हैं आने और जाने के लिए। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हुए 40 सीढ़ियों से